चलिए दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब गाइज हम लोगों के पास आ गए हैं 5G स्मार्टफोन। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आया है गाइज रियलमी की तरफ से, जिसका नाम है गाइज रियलमी 9 5G जो SE यानी स्पीड एडिशन। तो गाइज बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। तो गाइज बॉक्स को अभी ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स में दिखाएंगे और गाइज कितना प्राइस है सब कुछ बताएंगे। तो गाइज चलिए अभी देखते हैं। तो गाइज अभी बॉक्स को ओपन करेंगे, अब दिखाएंगे आप लोगों को कैसा फोन है और क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है सब कुछ दिखाएंगे। तो गाइज ये आ गया हम लोगों के पास 5G स्मार्टफोन। इस 5G बॉक्स को अभी ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे आपको 5G स्मार्टफोन कैसा जो फर्स्ट लुक है वो अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और इसके अंदर गाइस यहाँ पर आ गया है बॉक्स के अंदर ये ट्रांसपेरेंट कवर, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट कवर आ गया और बाकी जो यहाँ पर है गाइस कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। आ गया स्मार्टफोन को साइड में रखता हूँ। ये आ गया एडेप्टर जो 30W का एडेप्टर है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो पावर केबिल जो USB टाइप सी केबिल है। सिम कार्ड इजेक्टर है। फोन को निकालता हूँ, हम लोग इसको ओपन करते हैं। देख सकते हो आप ये फ्रंट साइड है और बैक साइड देख सकते हो आप ही, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है। और जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी ट्रेंडिंग डिजाइन का है। और गाइज यहाँ पर जो कलर आपको देखने को मिल जाती है ये आपका आजरी ग्लो है। अभी स्मार्टफोन को अभी ओपन करने वाला है तो अभी इसको चालू करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो पावर बटन में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह देखने को मिल जाती है। तो अभी इसको ओपन करते हैं। तो गाइज ओपन होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताता हूँ। तो ये इसमें गाइज क्वालकॉम का प्रोसेसर आती है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 में प्रोसेसर आती है जो आपका 5G कनेक्टिविटी के साथ आती है। और इसमें आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है जो आपका 5000 mAh में मैसिव बैटरी, साथ ही साथ आपको 30W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही साथ अगर डिस्प्ले के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले आपको 6.6 इंच में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो डिस्प्ले आती है वो आपका फुल HD+ में डिस्प्ले आती है। इसमें जो आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है वो आपका 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। अभी गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फोन स्टार्ट हो जाएगा, यानी चालू हो गया। देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर जो आपको ऑन द बैक आपको ट्रिपल सेटअप में कैमरा देखने को मिल जाती है जो 48MP में मेन कैमरा आती है। साथ ही साथ आपको 2MP+2MP यानी अल्ट्रा वाइड एंगल एंड वाइड एंगल कैमरा आती है वो 2MP। एंड लास्ट में आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाती है वो भी आपका 2MP में देखने को मिलती है। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाती है जो 16MP में फ्रंट कैमरा आती है। तो गाइज बाकी जो आपका अंदर का जो चीज है और जो कैमरा कैसे आती है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेश रेट वगैरह। तो अब आप लोगों को दिखाऊंगा जो कैमरा क्वालिटी कैसा है वो आप अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी कैमरा चालू कर रहा हूँ और यहाँ पर फोटोज में है तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्लियरिटी के साथ ये फोटो ले रहा है। और जो आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छी से और कितना क्लियरिटी के साथ ये डिटेक्ट कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो फोटोज मैंने लिया आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोटो कितना अच्छी और बारीकी से आया है। और इसको जूम करूंगा तो अच्छे से जूम हो रहा है। और गाइज अभी आपको थोड़ा सा वीडियोस में भी दिखाऊंगा जो वीडियो में कितना क्लियरिटी के साथ दिखा रहा है। और इसमें गाइज आप 4K वीडियो तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पर स्क्रीन में देख रहा हो जो रिजोल्यूशन है वो अभी 1080 पिक्सल में है तो यहाँ पर आपको मैं 4K रिकॉर्ड में करके दिखाऊंगा। सो गाइज अभी देख सकते हो आप जो 4K वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है और कितना क्लियरिटी के साथ ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो छोटा सा चीज है उसको आप देख पा रहे हो कितना अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। आप देखो यहाँ पर कितना क्लियरिटी के साथ दिख रहा है आपको। सामने जो चीजें रखा हुआ है वो भी आप देख सकती हो कितना अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है और कितना क्लियरिटी है। यानी गाइज जो बजट के हिसाब से जो कैमरा है गाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा डाला है रियलमी ने। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जो पोर्ट्रेट मोड में कैसे फोटोज आती है, कितना अच्छा फोटोज आती है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो जो छोटा चीज है उसको भी अच्छे से डिटेक्ट करके फोटो ले रहा है। अभी गाइज सेल्फी में जो 16MP का जो कैमरा है उसमें भी हम लोग अभी देखेंगे जो कितना क्लियरिटी के साथ फोटोज निकलती है। तो अभी सेल्फी में कर लिया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर। और एक पोर्ट्रेट मोड में भी सेल्फी लेके दिखाता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेल्फी लिया है वो पोर्ट्रेट मोड में लिया है बट जो साइड ब्लर है तो गाइज अच्छे से ब्लर कर दिया है। और इस फोटो को मैं जूम कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि फोटो जूम करते फट नहीं रहा है, मतलब अच्छी और अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी डिटेक्ट कर रहा है और भी अच्छे से आप निकाल पाओगे सेल्फी में भी। यानी गाइज जो कैमरा क्वालिटी है वो अच्छी है।
सो अभी हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर लिया और इसमें आपको वीडियोस भी प्ले करके दिखाऊंगा, जो इसमें जो वीडियो प्लेबैक जो क्वालिटी है, वीडियो प्ले करने के बाद जो क्वालिटी आती है डिस्प्ले में, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर जो वीडियोस वगैरह आ रहा है, तो यहाँ प्ले करके दिखाऊंगा आपको 4K वीडियो। तो यही वीडियो को मैं दिखाता हूँ आपको। तो साउंड का भी क्लोज कर दिया, अभी यहाँ पर देख सकते हो वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर 8K अल्ट्रा HD लिखा हुआ है। और बाकी गाइज देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। और अब डिस्प्ले का क्वालिटी भी आप देख सकते हो। तो अभी फुल स्क्रीन में कर दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन में इसको करता हूँ। हाँ गाइज ये 4K वीडियो है जो 2160 में है। तो अभी इसको 4K में कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4K। तो गाइज डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले है। क्योंकि गाइज आप अगर मूवीज वगैरह अगर देखते हो तो गाइज आपको बहुत ही अच्छे आपको क्वालिटी का आपको वीडियोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे स्मार्टफोन में क्या होती है, जो जब आप साइड से देखते हो तो वहाँ पर आपको नेगेटिव व्यू देखता है। तो इस स्मार्टफोन में आप देख सकते हो हम आपको 4 साइड से घुमा कर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव व्यू नहीं दिखेगा। तो इस स्मार्टफोन में जो टच सैम्पलिंग जो रेट है गाइज वो है 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। तो वो भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से टच हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम बटन, अप एंड डाउन वॉल्यूम बटन। नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है, USB Type-C पोर्ट चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर एक माइक्रोफोन और यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक यहाँ पर दिया हुआ है। सो गाइज आप लोगों को जैसे कि मैं आपको बताया इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह और कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आपको दिखाया, मल्टी टास्किंग करके दिखाया इस स्मार्टफोन में। तो गाइज मेरे को लगता है अंडर 25 के अंदर दिस द बेस्ट स्मार्टफोन। क्योंकि गाइज अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो भी आप इसमें आप गेमिंग अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि गाइज इसमें आपको एक्सटेंड आपको रैम देखने को मिलती है जो 3GB एक्सटेंड रैम होती है। और इसमें जो इस स्मार्टफोन में जो रैम एंड स्टोरेज है वो आपका 8GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज आती है। और जिसके साथ आप 8GB के साथ आप और भी 3GB आप ऐड कर सकते हो, यानी एक्सटेंड कर सकते हो रैम को। और आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो भी और भी आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो आपका स्मार्टफोन में। और तो अगर आप एक गेमर हो तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। और जैसे कि आपको बताया सब कुछ डिटेल्स आपको दे दिया। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक कर दीजिएगा। और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो इस स्मार्टफोन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।